हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर 6, इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे हम फोटोशॉप को स्टार्ट कर सकते हैं और हमारे फोटोशॉप में कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन से टूल्स है। आज हम सीखने वाले हैं क्रिएटिंग अ न्यू फाइल इन फोटोशॉप। सो लेट्स सी द स्टेप्स गिवन बिलो विल लेट यू टू क्रिएट अ न्यू फाइल। यहाँ पर जो स्टेप्स दिए गए हैं वो हमें सिखाएंगे कि कैसे हम फोटोशॉप में न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट फाइल, देन आफ्टर न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ये जो हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन है वहां से हमें फाइल मेनू में जाना है, देन आफ्टर न्यू पर क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स हमें मिलेगा। Not in order, in older version it will look slightly different but the essential features are the same. अगर हमारे पास फोटोशॉप का कोई ओल्ड वर्जन होगा तो इसमें माइनर डिफरेंस होगा बट उसके जो essential features है, जो उसके needed feature है, वो सारे features same होंगे। Next, in top bar select the art and illustration tab. Skip this step if there is no tab in your version. Then after हम टॉप में जो ऑप्शन है आर्ट एंड इलुस्ट्रेशन टैब, उस पर हम क्लिक करेंगे। अगर हमारा वर्जन डिफरेंट है तो हम इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। सिलेक्ट अ प्रीसेट साइज सच एज 1000 पिक्सल ग्रीड पोस्टर और पोस्टकार्ड। यहाँ से नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे हमारी साइज की, हमारा जो डॉक्यूमेंट न्यू क्रिएट होगा उसकी हमें साइज कितनी चाहिए। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं 1000 पिक्सल ग्रिड या फिर पोस्टर साइज या फिर पोस्टकार्ड साइज। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है। If there are no presets in your version, choose the height and width as 1000 pixel each. अगर हमारे वर्जन में साइज सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है तो हम उसकी विड्थ और हाइट 1000 या फिर अदर साइज सिलेक्ट करके या फिर अदर हाइट और विड्थ डिफाइन करके हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम क्लिक करेंगे क्रिएट पर, यहाँ पर जो क्रिएट का ऑप्शन है वहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। ओके, तो हमको समझ में आ गया कि कैसे हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हम फाइल पर क्लिक करेंगे, देन आफ्टर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स हमें मिल जाएगा। अगर हमारा वर्जन ओल्ड होगा फोटोशॉप का तो हमें माइनर डिफरेंस मिलेंगे लेकिन जो इसेंटियल फीचर्स है वो बिल्कुल सेम होंगे। देन आफ्टर टॉप बार में हम ऑप्शन चूज करेंगे आर्ट एंड इलुस्ट्रेशन टैब का। अगर हमारा वर्जन चेंज है और अगर हमें ये ऑप्शन नहीं मिल रहा हमारे वर्जन में तो हम इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। देन आफ्टर हम हमारे जो इमेज हमें क्रिएट करनी है या फिर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उसकी प्री सेट साइज चूज करेंगे, सच एज 1000 पिक्सल ग्रिड या फिर पोस्टर साइज या फिर पोस्टकार्ड साइज। अगर हमारे पास प्री सेट साइज का ऑप्शन नहीं मिल रहा हमारे वर्जन में तो सिंपली हम हाइट और विड्थ सेट करके हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट की हमने हाइट और विड्थ सेट कर ली, उसके बाद हम क्रिएट बटन पर क्लिक करके हमारा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी, ये है हमारा न्यू डॉक्यूमेंट जिसमें सिर्फ ब्लैंक व्हाइट एरिया मिलेगा। अ न्यू ब्लैंक फोटोशॉप कैनवास गेट ओपन विद डिजायर्ड डायमेंशंस। हमें न्यू जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया वो कैसा होगा, यहाँ पर आप जो इमेज में देख रहे हो वैसा हमारा न्यू फोटोशॉप का कैनवास होगा। इसको जो ड्रॉइंग एरिया है इसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैनवास। ओके, तो यहाँ पर जिस डायमेंशन में हमारा फोटोशॉप का कैनवास है वैसा ही कैनवास अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तब हमें मिलेगा। ओके, द पिक्चर शो इन फिगर 4 इज पेंटेड यूजिंग द टूल्स ऑन द टूल बार। यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हो, नेक्स्ट पिक्चर जब हम 5th
फिगर 4 में देखेंगे वो पिक्चर टूल्स से, जो टूल बार में टूल्स है उससे पेंट किया हुआ है। ये है हमारा फिगर नंबर 3, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जो हमारा डॉक्यूमेंट ब्लैंक क्रिएट होगा जब हम न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तब हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा होगा। और ये जो फिगर 4 का डॉक्यूमेंट है वो हमने जो फोटोशॉप का टूल बार है उसकी टूल्स की मदद से ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ट्राई योर वेरियस टूल्स ऑन द टूल बार एंड ट्राई टू ड्रॉ एनी पिक्चर। हम यहाँ पर टूल बार में जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है उसका यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। यूज इरेजर टूल टू रब एनी इनकरेक्ट अनडिजायर्ड एलिमेंट दैट गेट ड्रॉ ऑन द कैनवास। और इरेजर टूल का यूज करके हम किसी भी इनकरेक्ट या अनडिजायर एलिमेंट, इट मीन्स कि अगर हमने कोई मिस्टेक की है ड्राइंग में तो उसको इरेज कर सकते हैं हमारे कैनवास में से। ओके, हम यहाँ पर टूल बार में जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है उसकी मदद से डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हमने कोई मिस्टेक की हमारी ड्राइंग में तो हम इरेजर टूल की मदद से इजीली उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। इट मींस कि हमारे ड्राइंग कैनवास में से वो इनकरेक्ट जो ड्राइंग हो गई है हमसे उसको इरेज कर सकते हैं। Then after once completed, save the picture by clicking File Save Options. हमारा पिक्चर एक बार ड्रॉ हो जाए, जो हमें हमारे कैनवास में करना है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए एक बार, फिर हम उसको सेव बटन की मदद से सेव कर सकते हैं। हमें सेव का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है? फाइल टैब में हमें सेव का ऑप्शन मिलता है। स्पेसिफाई द डिजायर फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। जब हम फाइल टैब में से सेव का ऑप्शन चूज करेंगे तब हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जहां पर फाइल नेम बॉक्स में हमें हमारी फाइल का जो नेम स्पेसिफाई करना है वो हम नेम वहां पर राइट डाउन करेंगे। देन आफ्टर हम फाइल को सेव करेंगे। इट मींस कि जैसे ही हम नोटपैड में, वर्ड में, पेंट में हमारी फाइल सेव करते हैं हमारा फाइल नेम अप्लाई करके, सिमिलरली वैसे ही हम फोटोशॉप में हमारा फाइल नेम अप्लाई करके हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसे सेव कर सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट द फाइल गेट सेव विथ PSD एक्सटेंशन। यहाँ पर फोटोशॉप में हमारी जो फाइल हम सेव करेंगे उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होगा .psd। जैसे हमारी नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx, docs, ऐसे ही हमारी फोटोशॉप की जो फाइल है उसका जो एक्सटेंशन है वो होता है .psd। ये आपको याद रखना है कि हमारी फोटोशॉप का एक्सटेंशन क्या होता है। ओके, .psd ये हमारी फोटोशॉप फाइल का एक्सटेंशन है। ओपनिंग एन इमेज, इट मीन्स कि हमने हमारी ड्राइंग ड्रॉ कर ली, देन आफ्टर हमने वो ड्राइंग सेव कर ली, अब हमें वो ड्राइंग फिर से ओपन करनी है तो हम कैसे ओपन कर सकते हैं? ओपनिंग एन इमेज इज सिमिलरली टू ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, जो हमारा सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है उसको रीओपन करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर हमारी जो इमेज हमने सेव की थी वो हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइल मेनू में जाकर ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन आफ्टर ब्राउज टू द फोल्डर दैट कंटेन द डिजायर्ड पिक्चर। देन आफ्टर हम वहां से हमारे जिस भी लोकेशन पर हमने हमारी इमेज सेव की थी वहां से हम हमारी इमेज चूज कर लेंगे, एंड देन आफ्टर क्लिक ओपन। देन आफ्टर हम ओपन पर क्लिक करेंगे द डिजायर पिक्चर ओपन्स, वहां से हमारा पिक्चर ओपन हो जाएगा। हम किसी भी पिक्चर को यहां से ओपन कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या सीखा? कैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं? हम फाइल में जाकर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स से हमारा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारा फोटोशॉप का वर्जन ओल्डर होगा या फिर डिफरेंट होगा तो उसमें
जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं उसमें माइनर डिफरेंस होगा, लेकिन उसके एसेंशियल फीचर्स जो वो फीचर्स सारे वर्जन में सेम होंगे। देन आफ्टर हम टॉप बार में से आर्ट एंड इलुस्ट्रेशन का जो टैब है उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें ये ऑप्शन हमारे वर्जन में नहीं मिल रहा तो हम इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। देन आफ्टर हम हमारा जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसकी प्रीसेट साइज सेट करेंगे। यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस मिल रही है, जैसे कि 1000 पिक्सल ग्रिड है, पोस्टर साइज है, पोस्ट कार्ड साइज है। हम ये सारी साइज हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे वर्जन में हमें ये प्रीसेट साइज नहीं मिल रही तो सिंपली हम हमारे डॉक्यूमेंट की विथ और हाइट सेट करके हमारा न्यू डॉक्यूमेंट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तब हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, हमारा ब्लैंक कैनवास क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हो। यह है हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ब्लैंक कैनवास। ओके, यहाँ पर हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी इमेज को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या फिर न्यू ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। जब हम कोई भी ड्राइंग कर रहे हो और अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो इजीली हम इरेजर टूल की मदद से वो मिस्टेक को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर टूल बार में हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मिल रहे हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग ड्राइंग, जैसे हम हमारा नोटपैड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, पेंट में हमारी ड्राइंग सेव करते हैं, या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर भी हम फाइल टैब में जाकर सेव ऑप्शन की मदद से हमारी इमेज फोटोशॉप में सेव कर सकते हैं सिंपली फाइल नेम प्रोवाइड करके। ओके, और आफ्टर सेविंग हमारी जो फोटोशॉप की फाइल है उसका एक्सटेंशन होगा .psd। देन आफ्टर जैसे हम पेंट, नोटपैड या तो वर्ड में हमारी सेव की गई फाइल ओपन करते हैं, सिमिलरली वैसे ही फाइल टैब में जाकर ओपन ऑप्शन से हम हमारी फोटोशॉप की किसी भी फाइल को ओपन इजीली कर सकते हैं। तो आज हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखा, देन आफ्टर उस डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं ये सीखा, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, देन आफ्टर हमने जो फाइल सेव कर ली है अगर हमें उसे रीओपन करना है तो हम कहाँ से ओपन कर सकते हैं ये सीखा। नेक्स्ट हम करेंगे फिर ये वर्कआउट स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट वन है फोटोशॉप इज एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सो इट इज ट्रू बिकॉज हम फोटोशॉप में हमारी कोई भी इमेज एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फोटोशॉप कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स, सो इट इज फॉल्स बिकॉज फोटोशॉप इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। हम फोटोशॉप में कोई भी पिक्चर्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड वन है बिफोर यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर यू हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल, इट इज ट्रू बिकॉज अगर हमें फोटोशॉप में कोई भी पिक्चर ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है, न्यू फाइल क्रिएट करनी होती है। जैसा हमारा व्हाइट ब्लैंक कैनवास था वैसा ही कैनवास हमें पहले क्रिएट करना होता है, उसके बाद हम उसमें पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। Then after Photoshop file have extension .psd, so it is true because जब हम Photoshop की फाइल सेव करते हैं तब उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .psd। ओके, इट इज वेरी IMP क्वेश्चन, प्लीज रिमेम्बर इट। लास्ट वन, मार्की टूल इज यूज फॉर सेलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ एन इमेज, सो इट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज मार्की टूल का यूज करके हम हमारे कोई भी इमेज में से कोई भी पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मार्की टूल जो है वो एक सिलेक्शन टूल है जिसकी मदद से हम हमारी इमेज का कोई भी पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके।